बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के लाडलावास गांव में बच्चों में हुए मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में जमकर लाठी डंडे चले, जबकि कई राउंड फायरिंग भी हुई। वहीं इस दौरान एक 10 साल के मासूम और उसके पिता को गोली के छर्रे लग गए। जानकारी के मुताबिक बच्चों में खेलने के दौरान मामूली कहासुनी हुई थी और कहासुनी में विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। आरोप है कि इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जबकि इस दौरान 3 राउंड फायरिंग भी की गई, जिसमें 2 लोग गोली के छर्रे लगने से घायल हुए हैं। वहीं फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सिकंदराबाद CHC में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पुलिस का दावा है कि घटना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के लाडलावास में बच्चों के विवाद में कोई गनशॉट वगैरह हुआ क्या? कुछ पूरी घटना है, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, कितने लोग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिए हैं? ये आपसी कहासुनी में परिवार का विवाद हो गया था, बच्चों का विवाद हुआ था, उसमें प्रथम दृष्टया स्थिति सामने आई है। दूसरे पक्ष ने प्रथम पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग अभी इंजर्ड हैं, जिसके संबंध में विधिक कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है और मौके से जो लोग थे कुछ उनमें से 3 लोग पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए, पूछताछ करके विधिक कार्रवाई की जाए। सर, बताया भी जा रहा कि एक मासूम को भी, छोटे बच्चे को भी एक गोली लगी है और छर्रे लगे हैं, क्या कुछ? अभी उसके चोट है, मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और उसके संबंध में सभी को शामिल करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया, कार्रवाई की जा रही है। सर,